According to this problem, a person X from a place A and another person Y from a place B set out at the same time to walk towards each other. तो यहाँ पे क्या है कि दो प्लेस ए और बी, प्लेस ए से एक्स और प्लेस बी से वाई, ये एक दूसरे की तरफ वॉक करने के लिए निकलते हैं। द प्लेसेस आर सेपरेटेड बाई द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर। इन दोनों प्लेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर। एक्स वॉक्स विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 1.5 किलोमीटर पर आवर। एक्स 1.5 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रहा है और इसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, मतलब हमेशा इसकी स्पीड 1.5 ही रहेगी। एंड वाई वॉक्स विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आर इन फर्स्ट आर, 1.25 किलोमीटर इन सेकेंड आर एंड 1.5 किलोमीटर इन थर्ड आर। जो वाई है इसकी स्पीड कंटिन्यूसली चेंज हो रही है और एक स्पेसिफिक रेट से चेंज हो रही है। पहले आर में उसका स्पीड है 1, उसके बाद 1.25, थर्ड आर में 1.50, ऐसे ये बढ़ता जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है दे टेक्स 5 आवर्स टू मीट, और दूसरा है दे मीट मिड वे बिटवीन ए एंड बी। तो चलिए इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस प्रॉब्लम में जो सलूशन आप दोगे उसका मेन आपका जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जब दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो इन दोनों का जो टोटल डिस्टेंस कवर होगा वो मिल के 15 किलोमीटर हो जाना चाहिए। तो इसका आंसर सबसे पहले मैं आपको इसी ऑप्शन से दे देता हूँ और बहुत ही आसान सा है ये। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि वो 5 घंटे में मिल जाए, तो चलिए देखते हैं कि 5 घंटे में मिल पाएंगे क्या। अगर यहाँ पे ए 1.5 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलेगा, देन द टोटल डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 5 आवर्स इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1.5 × 5, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि जो डिस्टेंस होता है वो स्पीड इंटू टाइम होता है। तो 5 घंटे में इसका डिस्टेंस आ जाएगा 7.5 किलोमीटर, और ये 7.5 किलोमीटर इस 15 किलोमीटर का ठीक हाफ है। If it is correct that x meet after 7.5 kilometer, then it is also correct that they meet in midway between A and B. अब आप इधर चेक कर लो कि 5 घंटे में इस y का डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है। पहले घंटे में 1, दूसरे में 1.25, तीसरे में 1.50, चौथा हो जाएगा 1.75, पांचवें घंटे में स्पीड हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर, और इन सबको जब आप ऐड कर दोगे तो इधर आ जाएगा 0.50 और ये हो जाएगा 4, 2, 6 और 1, 7, 7.5, मतलब दोनों बराबर आ रहा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि वो 5 घंटे बाद मिलेंगे और ये मिड वे में मिल रहे हैं, इससे दूसरा वाला भी करेक्ट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए इन्फॉर्मेशन इस तरीके का नहीं होता, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन होता और आपको दोनों का डिस्टेंस अलग अलग कैलकुलेट करना ही होता, तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम उसको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे हमको मालूम नहीं है कि कितने टाइम के बाद एक दूसरे से मिलने वाले हैं, मतलब हम इस स्टेटमेंट को सही नहीं मान रहे, तो इसका डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो उसी को देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कि मान लीजिए दोनों एक दूसरे से पी आर के बाद मिलते हैं, आफ्टर पी आर, तो पी आर में इसका जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा इस एक्स का वो हो जाएगा 1.5 पी, और पी आर में इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा। अब ये आपका एक सीरीज बना हुआ है जिसका हम लोग निकालेंगे सम, और जब कोई भी आपके पास सीरीज होता है तो उसका सम निकालने का आपके पास एक फार्मूला है, और वो फार्मूला है n/2 2a + n-1 × d, जहां पे n है कि आप इस सीरीज के टर्म को कितनी बार ऐड कर रहे हो, और a है आपका पहला टर्म, मतलब सीरीज शुरू कहाँ से हुई है, और d है इनके बीच में डिफरेंस कितने का है। तो अगर इस वैल्यू को आप यूज करोगे तो आप यहाँ पे लिखोगे, ये आपने बोला है कि पी आर्स के बाद मिलेंगे, यानी कि टोटल n की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों को पी यूज करनी है, तो हो जाएगा ये p/2, फर्स्ट टर्म 1 है और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 + p-1 × डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस 0.25 का है,
इसी को सॉल्व कर देंगे तो जो डिस्टेंस आएगा और ये जो डिस्टेंस है एक्स का, दोनों ऐड करके 15 आना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो तो ये आपका अंदर हो जाएगा पी बाई टू, 2 प्लस 0.25 पी माइनस 0.25, और दोनों डिस्टेंस मिलके होगा 15। इसी को सॉल्व कर दो जो पी आएगा वही टाइम होगा, ये 1.5 पी प्लस पी बाई टू, अंदर सॉल्व करोगे तो आएगा 1.75 और प्लस 0.25 पी इक्वल टू 15। यहाँ पे 2 एलसीएम हम लोग कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 पी, और पी का अंदर इनटू होगा तो होगा 1.75 पी प्लस 0.25 पी स्क्वायर इक्वल टू 15। अब 2 इधर आके मल्टीप्लाई कर देगा और इधर हो जाएगा 4.75 पी प्लस 0.25 पी स्क्वायर इक्वल टू 30। डेसिमल अगर हटा देंगे तो हो जाएगा 475 पी प्लस 25 पी स्क्वायर इक्वल टू 3000, मतलब 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 25 से इसको सिंप्लीफाई कर दो, 25 से सबको डिवाइड, तो ये आपका बचेगा पी स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा प्लस 19 पी, और ये होगा 120, जिसको अगर हम इक्वल के इस तरफ करेंगे तो 120 हो जाएगा। मतलब आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, इसी को सॉल्व कर देना है आपको। तो यहाँ पे 120 के 2 फैक्टर जिनको प्लस माइनस करने पे 19 आना चाहिए, तो दोनों फैक्टर होंगे 5 और 24। पॉजिटिव 19 लाना है इसलिए इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव रखेंगे हम लोग। तो पी स्क्वायर प्लस 24 पी माइनस 5 पी माइनस 120, यहाँ से p कॉमन किया p प्लस 24, माइनस 5 कॉमन किया p प्लस 24, तो 2 यहाँ पे आपके आ जाएंगे फैक्टर p प्लस 24 और p माइनस 5। तो यहाँ से p की वैल्यू आएगी माइनस 24 आवर्स और यहाँ से p की वैल्यू आएगी 5 आवर्स। अब टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता इसलिए इसको कैंसिल करेंगे, ये हमारा हो जाएगा आंसर। मतलब ये दोनों एक दूसरे से 5 घंटे बाद मिलेंगे, क्योंकि 5 घंटे बाद इन दोनों का जो डिस्टेंस कवर्ड है वो मिलके 15 हो रहा है, और 5 घंटे बाद अगर ये मिलेंगे तो इसका टोटल जो डिस्टेंस कवर होगा एक्स का वो 7.5 किलोमीटर होगा, तो इसका भी 7.5 किलोमीटर हो जाएगा, इसलिए दोनों मिड में मिलेंगे। इसलिए पहला वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा, दूसरा वाला भी सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, मीन्स बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखोगे, सीरीज का कोई भी प्रॉब्लम आता है जहां पे डिफरेंस सेम रहेगा टर्म के बीच में, तो उसका सम हम लोग इसी फॉर्मूले से निकालते हैं, जहां पे एन है उस नंबर को आपने कितनी बार ऐड करना है, ए आपका फर्स्ट नंबर होगा और डी यहाँ पे उस नंबर के बीच का डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, थैंक यू।